हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे. सो दिस इज़ योर टीचर पूजा सहानी विद योर बुक ग्रामर ग्लिटर ओडिसी बाय ब्रेन रूट सीरीज. एंड हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 11 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज एडजेक्टिव. सो डू यू नो व्हाट इज एडजेक्टिव? चलिए आगे देखते हैं. एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन. एक एडजेक्टिव वो वर्ड होता है जो डिस्क्राइब करता है या फिर मॉडिफाई करता है, मतलब क्वालिटी बताता है, डिस्क्राइब करता है किसको, नाउन को या प्रोनाउन को. जैसे कि एग्जाम्पल है, दिस इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, राइट? सो स्टोरी को कौन डिफाइन कर रहा है, कैसी है स्टोरी? इंटरेस्टिंग. एडजेक्टिव डिफाइन कर रहा है दिस इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी. टॉल ट्रीज कवर्ड द हिल्स. सो ट्रीज कवर्ड द हिल्स, ये अपने आप में एक पूरा सेंटेंस है, लेकिन कैसे ट्रीज ने हिल्स को कवर किया? टॉल ट्रीज, राइट? सो ये क्या है इंटरेस्टिंग और टॉल? यहाँ पर एडजेक्टिव. सो बच्चों, एडजेक्टिव हमें नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटीज को बताता है. ओके, सो जो वर्ड नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटीज बताए वो होता है एडजेक्टिव. अब इसमें भी बहुत सारे काइंड्स होते हैं, जैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव. ओके, और यहाँ हमें दिया हुआ है इंटरप्रिटेशन बॉक्स. एडजेक्टिव्स आर फाउंड आफ्टर अ वर्ब, ओके, और बिफोर द नाउन इट मॉडिफाइज. सो एडजेक्टिव जनरली हम लिखते हैं वर्ब के बाद या फिर नाउन से पहले, जिसके बारे में एडजेक्टिव होता है ना, उससे पहले लिखते हैं. तो चलिए आगे चलते हैं. टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव. सो इसमें सबसे पहले नंबर पे है बच्चों एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. अब क्या करता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी? इट शोज द क्वालिटी ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन. ये नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटीज को दिखाता है. जैसे कि द वाइज मैन नेवर टॉक्स अबाउट हिमसेल्फ. सो यहाँ पर नाउन क्या है? मैन. लेकिन उसकी क्वालिटी क्या है कि वो वाइज है. तो ये वाइज जो है, वाइज मतलब बुद्धिमान. तो बच्चों ये जो वाइज वर्ड है ना, ये है एडजेक्टिव. मिसेस इंदिरा गांधी वॉज अ पॉपुलर लीडर. मिसेस इंदिरा गांधी यहाँ पर नाउन हो गया हमारा, और वो कैसी लीडर थी? पॉपुलर लीडर. सो पॉपुलर क्या है यहाँ पर? एडजेक्टिव. सो ये होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. नेक्स्ट वी हैव एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. अब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में क्या होता है? इट शोज द क्वांटिटी ऑफ अ नाउन, मतलब मात्रा, किसी चीज़ की मात्रा बताता है ये हमें. जैसे आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, तो मनी नाउन है और लॉट ऑफ मनी बहुत सारा. देयर इज लिटिल वाटर इन द जग, पानी जग में थोड़ा है, यह है ना. तो पानी क्या है यहाँ पर? नाउन. लेकिन उसकी क्वालिटी क्या है, उस क्वांटिटी उसमें कितनी है? लिटिल, कम है. सो ये होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. नेक्स्ट वी हैव डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हमें किसी की या किसी चीज़ की पोजीशन बताते हैं. जैसे दिस बुक इज़ माइन, दैट बर्ड इज़ फ्लाइंग हाई इन द स्काई. तो हमें उससे क्या, बुक की और बर्ड की पोजीशन पता चल रही है. तो ये होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. सो यहाँ पर एक इंटरप्रिटेशन है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में, चलिए उसे पढ़ते हैं. Demonstrative pronouns come in the place of noun. Yes, previous chapter में मैंने आपको बताया था कि demonstrative pronoun nouns की जगह पर use होते हैं, right? और demonstrative adjective modify noun, वो noun को modify करते हैं, उसके बारे में हमें बताते हैं position उसकी. जैसे this is a good book, so demonstrative pronoun, okay? And this book is good, demonstrative adjective plus noun. So हमेशा जो demonstrative adjective है वो noun के साथ ही आता है, और demonstrative pronoun में जो demonstrative pronouns हैं वो noun को replace कर देते हैं. चलिए आगे चलें. Fifth we have possessive adjective. So it modifies a noun by telling whom it belongs to. ये noun के बारे में बताता है कि उससे क्या चीज़ belong करती है, या वो किसी चीज़ से कैसे belong करता है. जैसे your mother's cooking is delicious,
आपकी मदर की कुकिंग डिलीशियस है. योर मदर्स कुकिंग, तुम्हारी माँ. सो इट मॉडिफाइज अ नाउन बाय टेलिंग हुम इट बिलोंग्स टू. ये किससे बिलोंग करता है. जैसे तुम्हारी माँ, वी वेंट टू आर न्यू हाउस, हमारे नए घर में. सो घर किसका है? हमारा. तो ये योर, आर, ये सब जो वर्ड्स आते हैं, ये आते हैं बच्चों पजेसिव एडजेक्टिव के अंदर. नाउ वी हैव इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव. ये क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए जाते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव. जैसे एग्जाम्पल वन, वॉट कलर इज योर ड्रेस, विच फ्लावर विल यू टेक. सो ये होते हैं हमारे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स. सो वी हैव इंटरप्रिटेशन बॉक्स हेयर. Sometimes, कभी कभी adjectives are placed after the nouns they describe. Okay, जैसे Aparna is talented, the grass is green. So, कभी कभी जो adjective होते हैं वो noun के बाद भी placed होते हैं जिनको वो describe कर रहे होते हैं. जैसे कि यहाँ हुआ, Aparna is talented, the grass is green. So, we go ahead now. So we have exercises now, और इससे आपको और ज़्यादा adjectives के बारे में पता चलेगा. Fill in the blanks with suitable adjectives of quality from the given box. So यहाँ पर आपको कुछ word दिए हुए हैं जो है adjective of quality के words. So आपको यहाँ पर इन sentences में इनको सही तरीके से fill करना है, right? So चलिए start करते हैं बच्चों. Yes. He lives in an dash house. So, कैसे घर में रहता है वो? Old. So, house की quality क्या हुई? कि वो कैसा है? Old. Riya is wearing a dash ring. So, कैसी ring है? Beautiful. So, ring की quality क्या हुई बच्चों? कि वो है? Beautiful. Rita is an dash sister. So, ideal. Ideal sister मतलब बहुत अच्छी sister है वो. Mary likes to drink dash coffee, black coffee. Okay, black coffee. Lions and tigers are dash animals. कैसे animals होते हैं वो? Wild. Very good. जंगली जानवर होते हैं. The children enjoyed watching the dash film. So we have one word left here, animated. सबको पसंद आती है animated movies, जो cartoons वाली movies होती हैं, right? So film की क्या quality है? कि वो animated है, right? So इस तरह से हम fill करते हैं adjective of quality के words इस exercise में. और यही होता है adjective of quality, जो noun या pronoun की qualities को हमें बताता है. ओके, तो चलिए आगे चलते हैं. नेक्स्ट वी हैव आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव्स एंड राइट इट्स टाइप, नंबर और क्वांटिटी. अब हमें ये बताना है कि ये जो यहाँ पर एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करेंगे हम सबसे पहले, और फिर हमें इसका टाइप भी बताना है. टाइप में हमें बताना है कि ये नंबर है या क्वांटिटी. अब बच्चों, नंबर वो होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, क्वांटिटी होती है मात्रा, उसे हम नाप तोल तो सकते हैं लेकिन काउंट नहीं कर सकते. तो चलिए, शी इज द फिफ्थ पर्सन टू स्पीक. सो कौन सा पर्सन थी वो? फिफ्थ. तो ये हुआ एडजेक्टिव. सो अब आपको बताना है एडजेक्टिव क्या है यहाँ पर? फिफ्थ. और ये कौन सा एडजेक्टिव है? नंबर, राइट? क्योंकि हम काउंट कर सकते हैं फिफ्थ पर्सन तक. डू यू हैव एनफ मिल्क फॉर कॉफी? इनफ मिल्क फॉर कॉफी. सो इनफ इज द एडजेक्टिव. क्या आपके पास काफी दूध है कॉफी के लिए? तो इनफ. सो यहाँ पर एडजेक्टिव हम लिख देंगे इनफ. और ये कौन सा है? अब हम इसे गिन नहीं सकते, राइट? सो ये हुआ हमारा क्वांटिटी, राइट? रोहन बॉट फोर बुक्स. अब आप बुक्स को काउंट कर सकते हो ना. सो फोर इज द एडजेक्टिव हेयर. फोर बुक्स फ्रॉम द बुक फेयर. सो अब ये हम काउंट कर सकते हैं, तो ये है हमारा नंबर. ईच एम्प्लॉय इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ओन वर्क. ईच एम्प्लॉय. सो ईच एम्प्लॉयज को काउंट कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल्सो नंबर, राइट?
देयर आर सम पीपल लेफ्ट इन द स्टेडियम सम. सो दिस इज ऑल्सो नंबर बिकॉज वी कैन काउंट इट. जुलाई इज द सेवेंथ मंथ. सेवेंथ मंथ नंबर. ओके सो आई होप कि अब आपको क्वांटिटी एंड नंबर एडजेक्टिव्स जो हैं वो समझ में आ गए होंगे. तो चलिए आगे चलते हैं. यस द थ्री एक्सरसाइज इज अबाउट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. अब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बच्चों कौन से होते हैं जो हमें पोजीशन बताते हैं. राइट रीता टुक. अब हमें यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स लिखने हैं और इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है. रीता टुक दिस बुक आउट ऑफ दैट बॉक्स इन द एटिक एंड पुट इट हेयर विथ ऑल दीज अदर बुक्स ऑन दैट टेबल. ओके फादर केम इन टू माई रूम दिस इवनिंग एंड सेड दिस प्लेस इज अ मेस. ओके टर्न ऑफ that computer and pick these toys up off the floor. So इस तरह से हम position बताते जा रहे हैं कि father इस शाम मेरे room में आए और वो बोले this place is a mess. ये place कितना गंदा हो रहा है messy हो रहा है. turn off that computer. उस computer को बंद करो and pick these toys up off the floor. और floor से ये toys हटाओ. सो हम पोजीशन वाइज चीजों को बता रहे हैं. माय ब्रदर लाइक्स दिस मूवी बेटर देन दैट अदर वन बेटर देन दैट अदर वन वी वॉच्ड लास्ट मंथ विद मॉन्स्टर्स इन इट. सो इस तरह से हम कंप्लीट करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स एंड वी गो अहेड फिल इन द ब्लैंक्स विद अ पजेसिव एडजेक्टिव From the box. So यहाँ पर box में आपको कुछ possessive adjectives दिए हुए हैं हमें इन sentences में इन्हें fill करना है. अब बच्चों possessive adjective क्या होते हैं जिसमें हम noun को ये show करते हैं कि वो किससे belong करता है. right? जिस चीज़ में अपना आ जाए जैसे dog is sleeping in its kennel. अपनी kennel में dog सो रहा है. I have a doll. This is my doll. right? The heroine combed her hair. India is our country. Tom and Teddy wash their hands. Dash pictures are very useful for me. Your pictures are very useful for me. So इस तरह से हमने belongingness show की है possessive adjectives के through. Right? So we go ahead. Now we have e-exercise children. Complete the sentences with appropriate interrogative adjective. So हमें सही interrogative adjective लगाना है according to the sentence. Dash files are lying on the table. अब क्या sentence सही होगा? What files are lying on the table? Whose files are lying on the table? Or which files are lying on the table? Yes, we will write whose files are lying on the टेबल. किसकी फाइल्स टेबल पर रखी हैं? हुज फाइल्स आर लाइंग ऑन द टेबल. डैश टॉपिक वुड यू लाइक टू डिस्कस. व्हाट टॉपिक वुड यू लाइक टू डिस्कस. हुज टॉपिक वुड यू लाइक टू डिस्कस. और विच टॉपिक वुड यू लाइक टू डिस्कस. सो वी विल राइट विच टॉपिक वुड यू लाइक टू डिस्कस. राइट डैश पेन डू यू हैव. व्हाट पेन डू यू हैव. हुज पेन डू यू हैव. और विच पेन डू यू हैव. सो यहाँ पर हम विच भी लगा सकते हैं और हुज भी. ओके सो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ हुज पेन डू यू हैव. डैश जैकेट आर यू वेयरिंग. सो हुज जैकेट आर यू वेयरिंग. ओके यहाँ पर हम विच भी लिख सकते हैं. इट इज़ ऑल्सो करेक्ट. और यहाँ पर हम वॉच भी लिख सकते हैं. व्हाट टॉपिक वुड यू लाइक टू डिस्कस. ओके सो जो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं ये यूज़ किए जाते हैं क्वेश्चंस पूछने के लिए. सो आई होप चिल्ड्रेन कि आपको एडजेक्टिव
जो चैप्टर है वो क्लियर हो गया होगा. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, पजेसिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव. ओके, सो एडजेक्टिव बेसिकली नाउन और प्रोनाउन को ही डिस्क्राइब करता है, उन्हीं के नंबर पता चलते हैं, राइट, उन्हीं का पोजिशन शो करता है और उन्हीं के बारे में क्वेश्चन पुट किए जाते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में. ओके, सो आपको ये सारे काइंड्स क्लियर होने चाहिए कि क्वालिटी उसकी क्वालिटी बता रहा है नाउन और प्रोनाउन की, क्वांटिटी मात्रा बताता है, नंबर्स जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव वी यूज व्हेन वी आस्क अ क्वेश्चन. ओके, पजेसिव एडजेक्टिव नाउन के किसके साथ बिलोंगिंगनेस है ये शो करता है, राइट, और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नाउन की पोजिशन को बताता है. तो आई होप दैट दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू. Thanks for watching. Have a nice day.